सांसद सुनू जी, कार्यक्रम के इस सम्मेलन के मत संचालनकर्ता श्री संजय सहाय जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल के संसदीय दल के लोकसभा के नेता, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रशांत किशोर जी, हमारे साथ आए हुए जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री भाई संजय झा जी, जदयू नेता और बिहार सरकार के माननीय समाज कल्याण मंत्री और पार्टी के झारखंड के प्रभारी रामसेवक सिंह जी, सह प्रभारी अरुण कुमार सिंह जी, प्रदेश जनता दल यू के वरीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र महतो जी, जनता दल यू के नेता और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, ललन सराफ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री खीरू महतो जी, पार्टी की नेत्री और पूर्व मंत्री श्रीमती सुधा चौधरी जी, झारखंड के बहुत ही समझदार, जानकार और सक्रिय नेता जो अब झारखंड में जनता दलों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, भाई प्रवीण सिंह जी, प्रोफेसर साहिल हसन साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित कृष्णानंद मिश्रा जी, भगवान सिंह जी, वैद्यनाथ राम गोपी जी, अशोक चौधरी जी, श्रवण कुमार जी, जनाब हसीब खान साहब, सुनील कुमार सिंह जी, लालचंद महतो जी, श्रीमती सुमित्रा मुर्मू जी, मोहतरमा विश्वा नैयर जी, त्रिवेणी वर्मा जी, सुशील कुमार मंगलम जी, जनाब आफ्ताब जमील साहब, कुणाल अग्रवाल जी, निर्मल सिंह जी, रमेश सिंह जी, अर्जुन गिरी गोसाई जी, वैद्यनाथ पासवान जी, मौलाना मोबिन रिजवी साहब, हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी भाई गुलाब चंद महतो जी, विदेशी महतो जी, हराधन मार्डी जी, सोनाराम सोरेन जी, मार्शल टुटू जी, मोहतरमा आयशा खातून जी, श्रीमती आशा शर्मा जी, जनाब जफर कमाल साहब, जॉन सोरेन जी, मनोज कुमार सिन्हा जी, उपेंद्र नारायण सिंह जी, अखिलेश राय जी, रंजीत जायसवाल जी, पिंटू कुमार सिंह जी, अरविंद कुमार राय जी, श्रीमती पार्वती देवी जी, केबी सहाय जी, अवधेश महतो जी, नवेंद्र शेखर वर्मा जी, यहां पर उपस्थित राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे सभी प्रिय साथीगण, विशिष्ट अतिथिगण, पार्टी के सक्रिय साथी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो पहले बराबर आया करता था, लेकिन बीच से
कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति हो गई कि यदा कदा ही पार्टी के लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि हम लोगों को भी बुलाना चाहिए। कितने लोगों को हमने यहां कितनी प्रतिष्ठा दी, लेकिन राजनीति में बहुत लोगों का अपना तौर तरीका होता है। तो आज कुछ समय के बाद, बहुत जल्दी नहीं, एक बड़े अंतराल के बाद फिर आपके बीच में आने का मौका मिला है। हमें तो आना ही था, लेकिन आपको मालूम है कुछ दिन ऐसी घटना घट गई, अरुण जेटली साहब का निधन हो गया, इसलिए मैं तो सीधे पटना से दिल्ली चला गया, इसलिए हमको यहां की कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद आज का दिन निर्धारित हुआ, मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे साथियों का हम भाषण सुन रहे हैं, सब लोगों ने अपने ढंग से सारी बातों को रखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम समझते हैं कि यहां पर उपस्थित जो हमारे आप सब सक्रिय साथी हैं, उन सबों के मन में इन सब बातों का असर पड़ा होगा। आप सबको मालूम है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ, हम लोगों ने साफ किया, और जब बंटवारा हो रहा था तो जो माहौल था, हर बार इसकी चर्चा करते हैं जब भी हम यहां आते, तो झारखंड में एक खुशी का माहौल था, क्योंकि झारखंड के इलाके में बहुत पुरानी इच्छा थी कि भाई हम लोगों को अलग राज्य बनना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। तो झारखंड में राज्य अलग बनेगा तो खुशी का माहौल, लेकिन बिहार का जो बाकी हिस्सा था उसमें लोग बिल्कुल दुखी थे, परेशान थे। एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश शुरू से किया गया कि भाई बिहार झारखंड नहीं है, तो सब कुछ झारखंड के ऊपर निर्भर है, यहीं से राज्य सरकार की जो आमदनी होती है और उसके आधार पर सरकार चलती है, कई तरह की बातें लोगों को बहुत तकलीफ थी। और आप जानते हैं कि जब विभाजन होना था उसके पहले ही हम लोगों ने पूरा दौरा किया, उन्होंने पार्टी की तरफ से पूरे बिहार के लोगों को समझाया कि चिंता मत करिए, क्योंकि अलग राज्य झारखंड में बनना था, हम लोगों ने प्रयास किया बिहार के लोगों को समझाने, और जब झारखंड अलग हो गया तो यहां पर भी आए, यहां पर भी कहा कि भाई हम लोगों की तो इच्छा है, हम लोगों की तो ख्वाहिश है कि आखिर जब झारखंड बनेगा तो झारखंड में जिस तरह से प्राकृतिक संपत्ति है, जो यहां का वातावरण है, सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता था कि झारखंड अलग होगा तो झारखंड बहुत आगे बढ़ेगा। और जब अलग हुआ और सरकार बनी, उस पर हमने कहा कि भाई मुझे तो पूरा भरोसा है और मेरी इच्छा भी है कि अब झारखंड राज्य अलग हुआ है, नया राज्य बना है, लोगों की इच्छा की पूर्ति हुई है, तो झारखंड आगे बढ़ेगा और देश के सबसे अधिक विकसित राज्यों में से झारखंड एक बनेगा। यह हम लोगों का उस समय हम लोगों का इरादा था, हम लोगों की इच्छा थी, हम लोगों को ऐसा लगता था, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन भाई इतने दिन बीत गए, 19 साल बीत गए, अब आप ही सोच लीजिए क्या स्थिति थी। और अब झारखंड और बिहार जो बटा है, तो 54% जो बिहार पुराना बिहार था उसका 54% हिस्सा, भौगोलिक हिस्सा बिहार में है और 46% हिस्सा झारखंड में। और आबादी की क्या स्थिति है, बिहार की आबादी कितनी ज्यादा है, आबादी बहुत, तो लोगों को यह लग रहा था कि भाई बिहार की तो स्थिति और खराब होती चली जाएगी, लोगों के मन में एक गम का माहौल था। तो जैसा हमने जिस बात की चर्चा की, हमने तो वहां पूरा प्रचार किया, हम लोग तो कोई सरकार में नहीं थे बिहार में, बिहार में तो दूसरे लोगों की सरकार थी, हम लोगों की सरकार बनी हुई थी, तो बिहार और झारखंड जब एक था तो 7 दिन के लिए सरकार बनी,
ज्यादा दिन के लिए नहीं, फिर से उनको मौका मिला और हम लोगों ने तो काम करने की कोशिश की और झारखंड से हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि साहब जो यहां सब कुछ है उसके हिसाब से झारखंड तो बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन जरा आप देख लीजिए जिस बिहार के बारे में लोगों को ये चिंता और जिस झारखंड में लोगों की ये खुशी थी, एक सपना था। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि झारखंड में 19 साल बीतने के बाद भी क्यों नहीं बहुत आगे बढ़े थे और बिहार जहां कुछ नहीं था, लोग निराश थे और उस बिहार में जब काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया 2005 के नवंबर में, तब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और क्या स्थिति बिहार की हुई आप सब जानते हैं। हर क्षेत्र के बारे में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हम लोगों ने क्या कहा था जब हम लोग निकले थे न्याय यात्रा पर 2005 में, तो हमने एक ही बात कही थी कि हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों का मन है, हम लोगों की भावना है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर शुरू से चले हम लोग। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास और बिहार के हर इलाके की तरक्की। और आज आप बिहार में देख लीजिए कोई इलाका नहीं बचा, जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है सबके लिए निर्णय लिया, हर इलाके के लिए निर्णय लिया है और समाज के हर तबके के लिए। और हम लोगों ने प्रयास किया बिहार में कि जो सबका हाशिए पर है, किनारे खड़ा है, वैसे तबकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और विशेष पहल करेंगे। क्या स्थिति बिहार की थी अब कितनी बात बताएं आपको, वहां पर तो 12.5% बच्चे थे जो स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने वहां का सर्वेक्षण करवाया सरकार में आने के बाद, और वैसे तो मालूम ही था कि बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते हैं, स्कूल चल नहीं पा रहा है, लड़कियां बहुत कम स्कूल में जाती हैं, तो 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। और हम लोगों ने तय किया वहां 21,000 प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बनवाया, अन्य विद्यालयों के भवन को दुरुस्त किया और जितने क्लासरूम की जरूरत है वर्ग कक्ष का निर्माण कराना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया 3 लाख से भी ज्यादा, और ये सोचते हुए कि सबको पढ़ने का मौका मिले। और बड़ी संख्या में जो बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते थे स्कूल जाने लगे, हमने उसके बाद सर्वे किया कि देखना चाहिए कि समाज के किस तबके के बच्चे हैं जो स्कूलों में बाहर ज्यादा रह जाते हैं। तो सर्वेक्षण से पता चला कि सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर रह जाते हैं वो या तो महादलित समाज के हैं या फिर अल्पसंख्यक समाज के, और उनकी उम्र ज्यादा हो जाए कैसे जाएगा स्कूल में। तब हम लोगों ने वहां टोला सेवक, जितने महादलित गांव और टोले थे सबके लिए टोला सेवक, और अल्पसंख्यक समाज के जो गांव के जो इलाके थे वहां पर हम लोगों ने तालीमी मरकज स्वयं सेवक नियुक्त किया, बड़ी संख्या में 30 लाख के करीब, और उन लोगों ने बच्चों को घर पर घर के बाहर निकालकर पढ़ाना शुरू किया और उस लायक हो गए तो तीसरे चौथे क्लास में सबका एडमिशन कराना शुरू किया। और आपको मालूम है उसके बाद ये काम जब हम लोगों ने 6-7 साल तक लगातार किया तो आप स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या न के बराबर बिहार में हो गई,
1% से भी कम। दूसरा चीज हम देखते थे, एक तो बताया हमने भी, हमने देखा कि भाई लड़कियां बहुत कम जाती है, प्राइमरी स्कूल तक तो चली जाती है, पांचवी क्लास तक मिडिल स्कूल में नहीं जाती है। तब हम लोगों ने 2007 में कि लड़कियां भी आगे पढ़े, हम लोगों ने लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की और उसका इतना सुंदर परिणाम निकला कि लड़कियां बड़ी संख्या में मिडिल स्कूल में पहुंचने लगी। उसके बाद हमको लगा कि हम अपने यहां की लड़की को सिर्फ आठवीं क्लास तक पढ़ाएंगे, उसको कम से कम मैट्रिक क्लास तक पढ़ाएंगे। और उस समय हमने आकलन किया तो पता चला पूरे बिहार में नौवें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, इतना बड़ा राज्य, मात्र 1,70,000 से भी कम। तब हमने कहा कि भाई लड़कियों के लिए जो पोशाक योजना मिडिल स्कूल में शुरू किया उसको तो आगे बढ़ाएंगे ही, उसके साथ साथ हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और लड़कियां साइकिल चलाकर गांव से स्कूल जाने लगी। अरे पटना शहर में या दूसरे शहर में भी बिहार में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी और जब गांव गांव से लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, पूरा दृश्य बदल गया, लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता बदल गई और लड़कियों में आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। और उसके बाद बड़ी संख्या में लड़कियां हाई स्कूल जाने लगी। और एक बात और ध्यान लीजिए, हम बिहार में किसी को उपेक्षा नहीं करते, तो 3 साल जब लड़कियां की साइकिल योजना से भारी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी तो हम बिहार में कहीं जाते थे तो लड़के जगह जगह हमको कहने लगे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करी। और आप जानते हैं आज क्या स्थिति है, 9वें क्लास में 1,70,000 से भी कम लड़कियां थी और अब लड़के लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है, अब 9,00,000 लड़कियां पढ़ रही है 9वें क्लास। देखिए एक एक काम हमने चर्चा की, हमारे कई साथियों ने कई बातों की चर्चा कर दी, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद आप जानते हैं झारखंड में तो आबादी कम, बिहार में आबादी ज्यादा,